ये गाड़ियां भी सारी लोला साइड की है, हर एक पे झंडा लगा हुआ है हिंदुस्तान का। कसम से मैं थक गया, पूरा कुपवाड़ा में घूम चुका हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक यार, देखो मैं किन रास्तों में आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे जिगरी यारो, आज है 14 अगस्त 2023 और मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, मैं यही ठीक कराने कुपवाड़ा जा रहा हूँ। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि मोदी है तो मुमकिन है यार, हर जगह से मैं झंडे झंडों को देख रहा हूँ, कुछ बाय फोर्स है और कुछ मेरी तरह खुशी से लहरा रहे, बट मेरा भी मानना है कि हर झंडे की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और यही हमें ये 15 अगस्त सिखाता है। बाकी मुझे निकालना है लैपटॉप ठीक करने, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। 20 minutes later. तो जी मैं पूछ गया हूँ कुपवाड़ा मेन मार्केट में, यहाँ से हमें जाना है पीसी वर्ल्ड, वहाँ से ही हमने प्रिंटर भी लिया था और देखते हैं, कहते हैं कि वो लैपटॉपों को भी ठीक करता है, मैं देख। भाई साहब, तो भाई साहब पीसी वर्ल्ड खुला ही है, देखते हैं होगा ठीक या नहीं होगा। पीसी वर्ल्ड से साफ तो ये ठीक नहीं हो पाया, लेकिन अब देखते हैं कोई और मिलेगा या नहीं। Thousands of tears later. अरे यार कसम से मैं थक गया, पूरा कुपवाड़ा में घूम चुका हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक यार, देखो मैं किन रास्तों में आ रहा हूँ, कहीं से ठीक नहीं हो रहा यार। भाई साहब, मुझे अभी यहाँ बंदा बता रहा है कि वो जिसके पास तो गया था बस वही ठीक कराता है और कोई ठीक नहीं कर सकता, उसने तो इनकार किया, बोला सर्विस सेंटर जाओ, क्या कर सकते हैं। 2000 years later. वो कोई जी कंप्यूटर वाला नहीं, कोई मोबाइल फोन वाला नहीं जो रिपेयर करता है, जिसके पास हम ना गए लेकिन हम अपने लैपटॉप को ठीक करा ना सके, अफसोस। तो अभी हमें लाना है कुछ, पापा के लिए कुछ लाना है। मैं जी दो बार हॉस्पिटल रोड साइड से आया था लेकिन दवाई नहीं ली थी, अभी पापा के लिए हमने दवाई ली है और अभी हमें अनार लाने जाना है, बस यही है। हमारा तो आज का दिन ही खराब हो गया है, तो वो ला के फिर वीडियो को बंद करते हैं। ये गाड़ियाँ भी सारी लोला साइड की है, हर एक पे झंडा लगा हुआ है हिंदुस्तान का। एक चीज़ जो मैं यहाँ नोटिस की कि लोलाब की ही हर गाड़ी पे झंडा लगा हुआ है, इसके पीछे एक रीज़न यह है कि लोलाब के अंदर 15-16 गेट्स आते हैं, मतलब सड़क पे हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी जितने साइड की गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों पे झंडे नहीं लगाए हुए हैं, तो इसको कह सकते हैं बाय फोर्स भी कह सकते हैं। कुछ तो मेरी तरफ खुश भी होते होंगे ये लगा के, क्योंकि नया चीज़ है, मज़ा आता है ऐसे नई नई चीज़ देख के। तो बस मैं क्या बोलूँ, और मैंने अनार लाए, मैं जा रहा हूँ पैसे लाने। तो बस ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं डर रहा हूँ क्योंकि हर एक बंदा मुझे ही देख रहा है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।